सो इन क्वेश्चन नंबर 10 दे आर गिवन टू यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रायसेक्शन ऑफ राइट सेगमेंट ए बी. ट्रायसेक्शन मींस व्हाट? द लाइन ए बी इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, करेक्ट? सो आई रिटन हियर, सपोज द पॉइंट पी एंड क्यू. पी ए पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, ट्रायसेक्ट्स करते हैं सेगमेंट ए बी को. ए बी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2 एंड 7, बी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास -4 एंड -8. एंड इफ इट इज देयर इन इक्वल पार्ट, इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, करेक्ट? नाउ व्हाट विल डू हियर, विल पुट लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स. हम लोग क्या करेंगे पता है, एपी का वैल्यू हम लोग एक्स सेंटीमीटर रखते हैं. अगर एपी एक्स है, एपी किसको इक्वल है? पी क्यू को इक्वल है, तो पी क्यू भी एक्स हो गया एंड क्यू बी भी मेरा एक्स हो गया, करेक्ट? एपी हो गया एक्स सेंटीमीटर, पी क्यू भी हो गया एक्स सेंटीमीटर, क्यू बी भी हो गया मेरा एक्स सेंटीमीटर. सो राइट इट डाउन हियर, देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू, पी बी का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास? पी क्यू प्लस क्यू बी. मैं लिखूंगा यहां पे पी क्यू प्लस क्यू बी. रीजन में लिखूंगा पी डैश क्यू डैश बी तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे ही है, कोलिनियर है, करेक्ट? सो देयरफॉर मेरा पी बी का वैल्यू आएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x. यहां तक समझ में आया? पी बी इज इक्वल टू वॉट? पी क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स. सो वी आर गेटिंग इट एज 2x. अभी मैं क्या करूंगा यहां पे, देयरफॉर मैं रेशियो निकालता हूं अभी एपी डिवाइडेड बाय पीबी करके. एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, एपी का वैल्यू क्या था मेरे पास? एक्स. मैं लिखूंगा एक्स अपॉन पीबी का वैल्यू क्या आया? 2x. तो x अपॉन 2x में क्या होएगा? x1 जा कैंसल, तो मेरे पास आंसर आएगा 1/2. ये मेरा रेशियो हो गया. अंडरस्टूड? व्हेन आई पुट अ रेशियो लाइक थिंग 1/2, तो मैं यहां पर कौन सा फॉर्मूला डालूंगा? सेक्शन फॉर्मूला. सो आई रिटन एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, एपी का वैल्यू है एक्स एंड पीबी का वैल्यू है 2x. सो एक्स अपॉन 2x में एक्स एक्स इज गेटिंग कैंसल, सो आई कैन राइट इट डाउन एज 1/2. वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन लाइक दिस वे, पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन रेशियो 1:2, करेक्ट? पॉइंट पी यानी ये मेरा पॉइंट पी है. ये क्या करता है पॉइंट पी? ए बी को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 1:2. 1x/2x हम लोग ने किया था, एक्स एक्स कैंसल. सो आई एम राइटिंग हियर एज पॉइंट बी डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2. इट इज लाइक दिस वे. देन आफ्टरवर्ड्स विल बी राइटिंग डाउन बाय सेक्शन फॉर्मूला, करेक्ट? व्हाट इज राइटिंग डाउन हियर? बाय सेक्शन फॉर्मूला, जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किया था बाय सेक्शन फॉर्मूला, द सेम सेक्शन फॉर्मूला विल बी यूजिंग इट हियर. व्हाट डू यू नो अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला? यू नो एक्स इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, करेक्ट? तो हम लोग लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी करके. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू व्हाट इट इज? मैंने कहा था एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, तो मैं लिखूंगा यहां पे एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन. लेकिन एम के साथ किसका वैल्यू आएगा? इट विल बी एक्स टू एंड हियर इट विल बी एक्स वन. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज व्हाट? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. इट इज लाइक दिस वे. सो नाउ वी पुट डाउन द वैल्यूज हियर. हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहां पे. लेट द नंबर लाइन बी एज इट इज.
सो आई विल राइट योर इज इक्वल टू एम, एम का क्या वैल्यू है, रेशियो क्या है, 1:2 है ना, तो एम का वैल्यू है मेरे पास 1, तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय अभी मेरा x2 का क्या वैल्यू है, आई कैन राइट योर लाइक दिस वे, ए का कोऑर्डिनेट को मैं पकड़ता हूं x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट को, बी का कोऑर्डिनेट को मैं पकड़ता हूं x2 y2, यहां तक समझ में आया, तो मैं लिखूंगा m मल्टीप्लाई बाय x2 का वैल्यू है -4 प्लस n इंटू x1 का वैल्यू है 2, n का वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1+2 मीन्स m प्लस n 1+2, यहां तक समझ में आया, अगेन आई एम रिपीटिंग, m इंटू x2 का मतलब 1 इंटू x2 क्या है -4, तो 1 इंटू -4 प्लस n क्या है मेरा 2, तो लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या है 2, लिखा यहां पे 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n का मतलब 1+2, सो आई एम गेटिंग योर एज, सो 4 इंटू -4 बिकम्स -4 प्लस 2 2 4 अपॉन 1+2 कितना होता है 3, तो यू नो -4+4 कि मैं गेटिंग यार है 0/3 इज इक्वल टू 0, तो मेरा x कोऑर्डिनेट ऑफ p का वैल्यू क्या आया, इट कम्स 0, यहां तक समझ में गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर, नाउ विल बी फाइंडिंग आउट द y कोऑर्डिनेट, सो फॉर y कोऑर्डिनेट व्हाट विल बी गेटिंग यार, राइटिंग इन द सेम मैनर, y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू m का वैल्यू, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 1/2 होता है ना, तो m का वैल्यू आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय y2 का वैल्यू क्या है मेरे पास -8, सो 1 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस n वैल्यू इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई बाय y1 का वैल्यू 7, मैं राइट योर 7 अपॉन 1+2 इज इक्वल टू 1 इंटू -8 इज -8 प्लस 7 2 14 अपॉन 3, करेक्ट, तो आप लोग क्या कर सकते हो पता है, Whenever we are writing down like this way, we will put a bracket here. तो फिर आप लोग को confusion नहीं होएगा इधर. Correct? So to avoid the confusion, you have to put on the bracket like this way. So -8 + 14 is how much? +-, so 14 - 8 is 6. We are getting your 6/3 is equal to 2. 14 में से 8 गया तो 6 बचता है. तो 6 को 3 से divide करो. तो उसका आंसर कितना आता है, आंसर आता है 2, तो हमारा p का कोऑर्डिनेट आया 0, 2, यहां तक गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट दिस वन, सो वी गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ p एट 0, 2, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q, सो फॉर फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ q, आइदर यू कैन यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी आ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला भी डाल सकते हो, whichever is easy for you all, you can put it that. So what we'll do here, we'll now do it by section formula. Or we can do by midpoint formula also, whichever is easy. Abhi, you know that PQ is X, QB is also X. And if PQ is equal to QB, main aapko likh ke dikhata hu. PQ is equal to QB, क्योंकि रीजन बता रहा हूं, PQ का है x सेंटीमीटर, QB का भी है x सेंटीमीटर, तो Q हो गया मिड पॉइंट PB का, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB, ये थोड़ा इजी करने के लिए, देन वी विल बी डूइंग इट वेरी फास्ट,
रिटर्न यहाँ पॉइंट क्यू मिड पॉइंट है सेगमेंट पीबी का, तो फिर मेरा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा पॉइंट क्यू का, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू यू ऑल नो व्हाट इट इज, हम लोग क्या करेंगे पता है, अभी जो पी का कोऑर्डिनेट आया था जीरो एंड टू उसको हम लोग पकड़ेंगे एक्स वन एंड वाई वन, और जो बी का कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग माइनस फोर एंड माइनस एट को एक्स टू एंड वाई टू पकड़ेंगे, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स वन का वैल्यू क्या है मेरे पास जीरो, तो जीरो माइनस फोर अपॉन टू, सो हाउ मच यू गेटिंग योर जीरो माइनस फोर अपॉन टू इज माइनस फोर अपॉन टू, गेटिंग द आंसर इज माइनस टू, ये मेरा क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस टू। वैसे वाई का कोऑर्डिनेटर क्या आएगा, यू कैन राइट योर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला देन यू कैन राइट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, यू कैन राइट योर वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू इज इक्वल टू, मेरा वाई वन क्या है माइनस एट है और प्लस वाई सॉरी माई वाई वन इज टू योर आई राइटेड टू एंड वाई टू इज वॉट माइनस एट, सो कैन पुट योर एज माइनस एट अपॉन टू, सो टू माइनस एट इज माइनस सिक्स अपॉन टू, सो माइनस सिक्स अपॉन टू कम्स एज माइनस थ्री, कैन डिवाइड इट आउट सो कैन बी द वैल्यू वाई एज माइनस थ्री करेक्ट, सो वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एज जीरो एंड टू, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एज माइनस टू एंड माइनस थ्री, यू कैन राइट इट डाउन द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर्स विल बी इन द जैसे क्वेश्चन में दिया था इन द सेम वे यू हैव टू राइट इट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, व्हाट इज गिवन टू योर ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट ए बी, ऑफ सेगमेंट ए बी आर इट इज जीरो कॉमा टू एंड इट इज माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, रिमेंबर यू हैव टू राइट आउट द फाइनल आंसर आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर सॉल्यूशंस, वेरी इजी सम इट वॉज, फर्स्ट वी आर डन विद बाय सेक्शन डिविजन, सेकेंड आई डन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन डू बाय सेक्शन डिविजन ऑल्सो, लाइक ए क्यू अपॉन क्यू बी का रेशियो क्या आएगा टू अपॉन वन करके, बाद में एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट भी यू कैन फाइंड इट आउट करेक्ट बाय एनी ऑफ द मेथड, आइदर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला और बाय सेक्शन फॉर्मूला। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 11।